नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस समय महाराष्ट्र और गुजरात डूब चुका है, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले बेकाबू होकर चल रहे हैं। बाढ़ के चलते करीब 15 गाँव पानी में डूब चुके हैं, आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांवों के अंदर घुस चुका है, लेकिन 15 गांव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे पानी में डूब चुके हैं। इससे ग्रामीणों को खाने पीने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किया गया है। बाढ़ के हालातों के चलते एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मार्गों को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गुजरात के अंदर हालात बेकाबू, गुजरात के कच्छ में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण अवडासा स्थित संघाना नदी में बाढ़ आ गई है, इससे बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 15 गायें नदी में बह गई हैं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़े हुए हैं। सरकार ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई संरक्षण भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सौराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश के कारण पैदा हुए हालातों का जायजा लिया। जामनगर और द्वारिका जिलों के गांवों का हवाई निरीक्षण करने के बाद दोनों जिलों के अधिकारियों व पद अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन को तेजी के साथ काम करने का दिशा निर्देश दिया है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। उधर महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा, कोल्हापुर, सांगली, रायगढ़, गढ़चिरौली और मुंबई के अंदर भयंकर से अति भयंकर बाढ़ आ गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भंडारा जिले में पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से वैन गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके चलते भंडारा के पास करदा छोटे पुल पर पानी आ गया है। इस कारण दोस्तों इसे आवागमन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बता दें कि यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, घरों के अंदर दोस्तों घुटनों तक पानी जमा हो गया है। वहीं दोस्तों गढ़चिरौली में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण दोस्तों यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। गढ़चिरौली में पिछले 5 दिन से बारिश नहीं रुक रही है। गढ़चिरौली में लगातार भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां नदी नाले बेकाबू होकर चल रहे हैं। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। हाईवे पर बाढ़ का पानी आने से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गढ़चिरौली चामोरसी, गढ़चिरौली नागपुर, आष्टी अल्लापल्ली, अल्लापल्ली भामरागढ़, ये दोस्तों बंद कर दिए हैं। इन 4 हाईवों के साथ ही जिले की 12 सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसके चलते सब्जी, दूध और ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी है। इसके अलावा रायगढ़ के अंदर भी भारी बारिश से दोस्तों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। सांगली नदी में कृष्णा नदी का जलस्तर भी अचानक से बढ़ गया है और आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते नदी नालों से दूर रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें और मूसलाधार बारिश के चलते आप कच्चे, जर्जर और पुरानी इमारतों के अंदर ना रहें, क्योंकि इनके ढहने का जो सिलसिला लगातार देखा जा रहा है, अब तक कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसलिए सावधान रहें, रात के समय आप नदी नालों के पास ना जाएं। वर्तमान में आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं और वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।